ओके, अब हम देखने वाले हैं वॉन विलिब्रेंड डिसीज़ के बारे में। उससे पहले हम वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के बारे में बेसिक चीज़ देख लेते हैं। तो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर प्रोड्यूस कौन करता है? एक एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दूसरा है मेगा कैरोसाइट्स या प्लेटलेट्स, लेकिन मेजरली हमारा यहाँ फोकस होगा एंडोथेलियल सेल्स पे। तो जब कहीं भी टिश्यू इंजरी हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, तो जो अंडरलाइन कोलेजन होता है वहाँ पे वॉन विलिब्रेंड फैक्टर आ जाएगा। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर फिर क्या करेगा, प्लेटलेट एडिशन करवाएगा, और प्लेटलेट के साथ एडिशन होगा उसमें वो प्लेटलेट बाइंड कैसे होगा वॉन विलिब्रेंड फैक्टर से, बाय रिसेप्टर जीपी वन बी, जीपी इज ग्लाइकोप्रोटीन 1B। ओके, जीपी 1B रिसेप्टर के थ्रू प्लेटलेट बाइंड होगा वॉन विलिब्रेंड फैक्टर से। तो ये हो गया प्लेटलेट एडिशन। फिर उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, वो किसे होता है, प्लेटलेट एक दूसरे से बाइंड करते हैं वाया रिसेप्टर जीपी 2B3A। ये होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जब रिलीज होता है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज होता है, तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके लार्ज मल्टीमर्स बना देते हैं, और फिर ये साथ में प्लेटलेट एडिशन कराते हैं। फिर एक बार जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर एक एंजाइम होता है विच इज एडम TS13। ओके, एडम TS13, ये वॉन विलिब्रेंड, ये जो मल्टीमर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिक फिजियोलॉजी। अब वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का बेसिक फंक्शन क्या होगा, एक हमने देखा ये प्लेटलेट एडिशन कराता है, दूसरा क्या है, जो इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 8 था के कोएगुलेशन कास्केड, इसमें इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर 8 था जो फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प कर रहा था, कि ये एक्टिवेटेड फैक्टर 8 है, ये हेल्प कर रहा है एक्टिवेटेड फैक्टर 9 को हेल्प कर रहा है टू कन्वर्ट फैक्टर 10 इंटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ओके, ये वाला रिएक्शन, फैक्टर 8 हेल्प कर रहा है फैक्टर 9 को टू कन्वर्ट फैक्टर 10 इंटू एक्टिवेटेड फैक्टर 10। अभी जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर होता है ये फैक्टर 8 के साथ बाउंड फॉर्म में होता है, तो उससे क्या होता है कि जो फैक्टर 8 की जो हाफ लाइफ होती है T½, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, T½ और फैक्टर 8 विद वॉन विलिब्रेंड फैक्टर इज 12 आवर्स, विदाउट वॉन विलिब्रेंड फैक्टर इज 2.5 आवर्स। तो हाफ लाइफ इंक्रीज करता है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर फैक्टर 8 की। तो एक तो गया फंक्शन इसका प्लेटलेट एडिशन, दूसरा है इट ऑल्सो स्टेबिलाइजेस या फिर इट ऑल्सो कैरीज फैक्टर 8। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर हुई तो देयर विल बी सेकेंडरी रिडक्शन ऑफ फैक्टर 8, उसकी वजह से कोएगुलेशन डिफेक्ट होगा। तो यही बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। अब देखते हैं वॉन विलिब्रेंड डिजीज। तो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन, कोएगुलेशन डिफेक्ट एंड फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के भी होता है ऑब्वियसली इसकी वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। इसके टाइप्स होते हैं, एक तो इनहेरिटेड हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। इनहेरिटेड में इसके 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। उसमें से टाइप 1 और टाइप 3 दोनों क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होते हैं, मतलब वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का जो नंबर होता है वो कम होता है, इसमें डेफिशिएंसी होती है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की, उसकी वजह से कोएगुलेशन डिफेक्ट आता है। तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, देयर इज लो नंबर ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। अब टाइप 1 इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, टाइप 3 इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इट इज़ रेयर, लेकिन अगर टाइप 3 हुआ तो वो बहुत सीवियर कंडीशन है। ये हुआ टाइप 1 और टाइप 3। अब देखते हैं टाइप 2, इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, इसमें वॉन विलिब्रेंड फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें फंक्शनल डिफेक्ट आता है, फंक्शनल डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन, या तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है, या जो रिसेप्टर थे GP1B उसमें कोई डिफेक्ट आता है, तो इसमें फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें फंक्शनल डिफेक्ट आ जाता है इन टाइप 2। उसके टाइप सब टाइप्स है 2A, 2B, 2M एंड 2N। अब 2A उसमें क्या होता है, जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के मल्टीमर्स बनने होते हैं वो मल्टीमर्स फॉर्म नहीं होते, क्योंकि मल्टीमर्स फॉर्म नहीं होते तो ऑब्वियसली प्लेटलेट एडिशन भी नहीं हो पाता, प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाता। ये होता है 2A, इसमें होता है
डिफेक्टिव वन विलिब्रेंट फैक्टर मल्टीमर्स फॉर्मेशन या फिर नो मल्टीमर्स फॉर्मेशन। फिर है 2B, उसमें क्या होता है एक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से जो बाइंडिंग होती है वन विलिब्रेंट फैक्टर की आपस में वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से मल्टीमर्स कुछ ज़्यादा ही लार्ज नंबर में फॉर्म हो जाता है। अब मल्टीमर्स ज़्यादा फॉर्म हो गए तो फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी वो भी बड़ा होगा, और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बड़ा होगा तो फिर जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो 2A में क्या हो रहा था, मल्टीमर्स फॉर्म नहीं हो रहे थे, 2B में मल्टीमर्स कुछ ज़्यादा ही बड़े फॉर्म हो रहे थे, ये 2A और 2B। अब 2M में क्या होता है, इसमें 2M में दिस डिक्रीज एफिनिटी ऑफ फैक्टर टू GP1B, जो ग्लाइकोप्रोटीन था उससे अफिनिटी इसकी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाता। फिर 2N में इसमें देर इज डिक्रीज एफिनिटी ऑफ फैक्टर वन विलिब्रेंट फैक्टर टू फैक्टर एट से जो एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कोएगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है उसमें प्रॉब्लम आएगी। फैक्टर एट डेफिशिएंसी हम कहते हैं हीमोफीलिया, तो इस कंडीशन में कहेंगे सूडो हीमोफीलिया। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। 2A 2B 2M एंड 2N। 2A में मल्टीमर्स नहीं बन रहे थे, 2B में मल्टीमर्स कुछ ज़्यादा ही बन रहे थे, 2M में डिक्रीज एफिनिटी टू GP1B और 2N में डिक्रीज एफिनिटी टू फैक्टर 8। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स ये होता है मोस्टली इन सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ, देयर इज प्लेटलेट फंक्शनल डिफेक्ट, सीवियर ब्लीडिंग होती है, ये सीवियर ब्लीडिंग इज रेयर, इट इज सीवियर ओनली इन टाइप 3, और दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक मेनोरेजिया एपिस्टेक्सिस, म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग लाइक पेटिकिया परप्यूरा एकामायोसिस के जो पैचेस होते हैं परप्यूरल पैचेस वो सब, फिर जिंजिवल ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग, हेमरेज के, ये सब क्लिनिकल फीचर्स में होंगे, इन शॉर्ट इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, और कोई कोई केस में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। अब लैब पैरामीटर्स या डायग्नोसिस देखते हैं, तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, APDD प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर 8 की वजह से, फैक्टर 8 इज अ डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे, ओके, APTT डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे डिफेक्ट, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली APTT बढ़ जाएगा, जबकि PT विच प्रोथ्रोम्बिटाइन वो नॉर्मल रहेगा। तो ये लैब पैरामीटर होगा। फिर दूसरे डायग्नोसिस करेंगे हम थ्रू पर्सनल फैमिली हिस्ट्री, फिर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की एंटीजन ऐसे एंटीजन को हम डिटेक्ट करेंगे बाय ELISA। फिर एक टेस्ट है विच इज़ रिस्टोसेटिन एग्रीगेशन टेस्ट, फिर रिस्टोसेटिन एग्रीगेशन टेस्ट। अब रिस्टोसेटिन क्या है, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स को इंड्यूस करता है टू बाइंड टू GP1B, तो वो प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ाता है, प्लेटलेट क्लम्प फॉर्मेशन बढ़ाता है। अब जब हम रिस्टोसेटिन देंगे पेशेंट को, उसके बावजूद भी प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं बढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही एबसेंट है पेशेंट में या डेफिशियंट है पेशेंट में, तो उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रहा, तो इट विल बी डायग्नोस्टिक ऑफ वॉन विलिब्रेंट डिसीज, ओके, रिस्टोसेटिन एग्रीगेशन टेस्ट। तो जो रिस्टोसेटिन डिपेंडेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा वो डिफेक्टिव होगा, विच इज डायग्नोस्टिक ऑफ वॉन विलिब्रेंट डिसीज। अब ये कॉजेज है ऑफ वॉन विलिब्रेंट डिजीज, नाम सिर्फ नाम ही याद रखना है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर्स, IgM पैराप्रोटीन विल्म्स ट्यूमर, मल्टीपल माइलोमा, ये सब कॉजेज हैं ऑफ वॉन विलिब्रेंट डिजीज। अब ट्रीटमेंट में अगर माइल्ड केस हो तो हम देंगे सिंपली डेस्मोप्रेसिन। ये क्या करता है, एंडोथेलियम में से फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के रिलीज को इंक्रीज करता है, तो इसलिए हम देंगे डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन IV और इंट्रानेजल ये इंक्रीज करता है फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के रिलीज को, ये माइल्ड केस में। अब अगर सीवियर केस हुआ तो फिर हम IV क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, क्योंकि इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंड फैक्टर 8, ओके, IV क्रायोप्रेसिपिटेट इन सीवियर केस, जबकि माइल्ड केस में डेस्मोप्रेसिन। फिर अगर अदर एजेंट्स लाइक टू कंट्रोल ब्लीडिंग, उसमें होगा ट्रेनेक्सेमिक एसिड, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कॉन्सेंट्रेट सिंपली दे सकते हैं। फिर अगर विटामिन के डेफिशिएंसी हुई
तो उसमें हम विटामिन के देंगे 5 to 10 mg पर डे फॉर 1 to 2 days। अब विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों डिफेक्टिव हो गए, तो पीटी और एपीटीटी दोनों बढ़े हुए, दोनों एलिवेटेड होंगे। तो ये थी ट्रीटमेंट ऑफ पूरी वॉन विलिब्रेन डिसीज।